नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रखंड के जामा 2 उच्च विद्यालय राजी के कक्षा 1 से 8 तक के 517 विद्यार्थी मध्याह्न भोजन से सोमवार को वंचित रह गए। ऐसा विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही व शिक्षा विभाग की शिथिलता के कारण हुआ है। जानकारी के अनुसार जमा 2 उच्च विद्यालय राज्य में मैट्रिक परीक्षा का सेंटर बनाया गया है, जिसके अनुसार एक ओर जहां विद्यालय में परीक्षार्थियों की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर उस विद्यालय के प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के बच्चे सड़क पर कच्चे खेल रहे थे। विद्यालय के प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन के सभी बच्चों की मैट्रिक की परीक्षा को लेकर छुट्टी कर दी गई थी, जबकि विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन को 1 से 8 के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जारी रखने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत सुविधा अनुसार बच्चों को आसपास के सरकारी विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर मध्याह्न भोजन खिलाना था। पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन किसी भी कीमत पर बाधित न हो, इसका ध्यान रखना था। लेकिन उपरोक्त सारे निर्देशों की विद्यालय पर प्रशासन की ओर से अनदेखी की गई। जमा 2 उच्च विद्यालय राज्य के आसपास के विद्यालयों में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सिरपलिया, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लोबंधा, प्राथमिक विद्यालय हरियरी अवस्थित है, लेकिन इन किसी भी विद्यालयों के साथ बच्चों के मध्याह्न भोजन को लेकर राज्य के विद्यालय प्रशासन का समन्वय नहीं दिखा। फलतः 517 बच्चे मध्याह्न भोजन के साथ साथ अतिरिक्त पोषाहार से वंचित हो गए। इस प्रकार सरकार की महत्वाकांक्षी पोषण पीएम पोषण के तहत संचालित मध्याह्न भोजन वंचित कर विभागीय आदेश व बाल अधिकार का हनन किया गया। खेल रहे बच्चों में राहुल पटेल, सूरज कुमार, रितेश गुप्ता, सत्यम पटेल, कन्हाई पटेल, संगम पटेल, सोनू पटेल, अंकित कुमार आदि छात्रों ने बताया विद्यालय में छुट्टी है। छुट्टी में सिरपलिया, हरियरी और लोबंधा विद्यालय में उन्हें मध्याह्न भोजन मिलेगा, लेकिन हम लोगों के घर से उन विद्यालय की दूरी करीब 2 किलोमीटर होने के कारण हम लोग मध्याह्न भोजन के लिए वहाँ नहीं जा पाएंगे। अगर हम लोगों को अपने मूल विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन मिलता तो हम लोग अन्य दिनों की तरह मध्याह्न भोजन खाते। अभिभावकों ने कहा, जिस बिल्डिंग में मैट्रिक परीक्षा चल रही है उसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग में प्राइमरी मिडिल सेक्शन के बच्चों की पढ़ाई होती है। अगर परीक्षा चल रही बिल्डिंग के मुख्य दरवाजा पर लगी ग्रिल को परीक्षा के समय बंद कर दिया जाए और बगल वाली प्राइमरी या मिडिल सेक्शन की बिल्डिंग में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता तो यह ज़्यादा युक्तिसंगत होता, क्योंकि इसे विद्यालय प्रशासन को अरेंज करना था कि किस युक्ति से बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए ताकि वह इससे वंचित न हो। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उमेश मेहता ने बताया कि मध्याह्न भोजन के बारे में प्रधानाध्यापक से पूछा तो बताया गया कि सिरपलिया, हरियरी और लोबंधा विद्यालय को बोल देंगे, लेकिन उन्होंने उन विद्यालय को बोला था या नहीं यह नहीं जानते, पर आज बच्चों को कहीं मध्याह्न भोजन नहीं मिला यह जरूर जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक के लापरवाही से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिला। अगर उन्हें मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी दी जाती तो वह अपने मूल विद्यालय में ही बच्चों का मध्याह्न भोजन बनवाकर 1 बजे परीक्षा समाप्ति के बाद बड़े आराम से खिला देते। इस संबंध में पास के उक्त तीनों विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने बताया कि हमारे विद्यालय में पूर्व की भांति मध्याह्न भोजन संचालित है, लेकिन उक्त बाहर के विद्यालय के बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उक्त विद्यालय की ओर से उन्हें गंभीरता के साथ सूचित नहीं किया गया था। फिर भी जो मध्याह्न भोजन हमारे यहाँ बना है उसमें अगर वहाँ से कुछ बच्चे आते हैं तो उन्हें जरूर खिलाएंगे। इस संबंध में प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा का सेंटर होने के कारण पास के विद्यालय में हमारे विद्यालय के बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाना था। अब उन बच्चों को उक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन खिलाया गया या नहीं खिलाया गया उन्हें नहीं पता है। अभी क्या कर रहे थे? पढ़ना नहीं है? नहीं नहीं, नहीं? नहीं, 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 नहीं।
अच्छा तुम लोगों का खाना जो है लोमांधा और सिरपलिया बना है, खाना खाने कैसे जाना है ना? हाँ, दूर पर रहा दूर पर रहा है, नहीं जाएंगे, झुला जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएगा नहीं। अगर यही बनता तो तुम लोग जाते खाने ना? हाँ। स्कूल में यहाँ बनता तो खाने जाते ना? हाँ। अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो कि यही खाना बने? हाँ।